हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डिम्पल, आपकी अपनी क्रिएटिव नेल आर्टिस्ट। आज हम लोग जा रहे हैं राजदरी देवदरी वाटरफॉल देखने के लिए, जो कि वाराणसी से 2 घंटे की दूरी पर है। तो ये वाटरफॉल देखने में बहुत ही सुंदर है और बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं है। टूरिस्ट जाते हैं बट बाकी जगह की तरह क्राउडेड नहीं है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेसेस है। तो चलिए वाटरफॉल के पास जाके मिलते हैं। वाटरफॉल तक का फुल रास्ता ऐसा ही है। रास्ते के दोनों बाजू पेड़ पौधे, फुली हिली एरिया है ये, और ज़्यादा कुछ ट्रैफिक भी नहीं। और ये आप देख सकते हो कितना ग्रीनरी भरा हुआ है यहाँ पे। सिटी से दूर यही एक एडवांटेज है, फुल ऑफ ग्रीनरी। ये नीले गगन और क्लाउड्स को देख के मुझे किशोर कुमार के गाने की याद आ रही है। आपको भी याद आ रही होगी ना, नीले गगन के तले। सॉरी, मैं नहीं गाऊंगी बिकॉज़ बहुत ही बेसुरा गाती हूँ। ये देखो एक और चीज़, बीच बीच में कैटल्स आते रहेंगे तो आपको थोड़ा केयरफुली ड्राइव करना चाहिए। ये लो, हम लोग वाटरफॉल के पास पहुँचे हैं। ये एंट्री गेट है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ेगा। ये है राजधरी वाटरफॉल। जैसे कि मैंने बोला था, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है और यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। तो आप अगर वाराणसी आते हो और आजू बाजू के प्लेसेस में जाना चाहते हो तो ये वाटरफॉल मस्ट एंड शुड विजिट है। देखो कितना ब्यूटीफुल है। अब हम लोग पहुंच गए हैं देवदरी वाटरफॉल। राजदरी वाटरफॉल से ये थोड़ा सा छोटा लगता है बट यहाँ का व्यू तो राजदरी वाटरफॉल से भी बहुत ही बेटर लगा मुझे। स्पेक्टेकुलर व्यू लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। फिर से बोल रही हूँ, अगर आप वाराणसी आ रहे हो तो ये दो वाटरफॉल्स मिस मत कीजिएगा, बहुत अच्छा है। सुबह के 10:30-11 बजे से हम लोग बाहर हैं तो अभी भूख लग रही है। गाड़ी में थोड़ा बहुत स्नैक्स खा लिया बट वो तो काफ़ी नहीं है, राइट? तो यहाँ पे राजदरी रिसॉर्ट करके कुछ मिला है रास्ते में, तो हम लोग वहाँ पे अभी आए हुए हैं कुछ खाने के लिए। यहाँ पे आके पता चला कि ये लोग जंगल सफारी भी करते हैं। तो एनिमल दिखे या ना दिखे, एक एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा सोच के हम लोगों ने अभी पहले जंगल सफारी करने का प्लान किया है, क्योंकि रात को जंगल में अलाउड नहीं होता है। तो चलिए पहले सफारी फिनिश करके आते हैं। एक ये देखा हमने, बुल लोमड़ी लोमड़ी। हाँ इधर 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 बैठा है। हाँ वो देखो आया आया। ये जी बता।
जिस पॉइंट पे हमें ये जाकुल देखने को मिला उस पॉइंट था कि ये अपना सफारी एंड होने वाला था, मतलब वहां से वापस आने वाले थे। वी आर लकी कि हमें एटलीस्ट एक एनिमल देखने को मिला। पहले ही हमें पता था कि यहाँ पे शायद ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, अगर लकी इनफ है तो कुछ एनिमल्स मिल सकते हैं करके। तो हम लोग अभी वापस आ रहे हैं, वापस आते आते यहाँ पे एक वॉच टावर दिखा, तो चलिए उसके ऊपर चढ़ के देखते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल दिखेगी सिटी, मतलब जंगल, सॉरी। क्या शांति है। चलिए रिसोर्ट में वापस चलते हैं और गरम गरम पराठा खाते हैं। ऑर्डर दे के आया है ऑलरेडी। क्या तगड़ा पराठा बनाया है, मज़ा आ गया सच्ची में खा के। ट्राई इट। मस्त खा पी के अभी वापस होटल के तरफ जा रहे हैं। ऑलरेडी फुली अंधेरा हो गया है यहाँ पे। एक्चुअली हमें पता नहीं था कि इतना अंधेरा होगा। इस एरिया से बाहर निकलने तक ना अपने ड्राइवर ने कुछ बोला नहीं, बट एक बार हमने ये एरिया क्रॉस कर लिया, सिटी की तरफ निकले, तो अपने ड्राइवर ने बोला कि यहाँ पे अंधेरे में ट्रैवल नहीं करना चाहिए, इसे चोर डाकू टाइप्स लोग भी मिल जाता है, तो थोड़ा रिस्की है। थैंक गॉड कि हम सब सेफ है। चलो भैया धीरे धीरे जाओ चलो। आज विसर्जन का दिन है तो रोड्स बहुत ही ज्यादा क्राउडेड है। लॉन्ग एक्साइटिंग डे, फाइनली हम लोग होटल में वापस पहुंच गए। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, गुड नाइट, बाय।